Sir, मैंने माफ कर दे यार. ये पानी बंद कर. मेरे को बहुत ठंड लग रही है यार. रोशन. नहीं रे नहीं. तुझे तो पार्टी शार्टी करने का शौक है. अखी सोसाइटी के सामने हंगामा करने का शौक है. हाँ. चाटो पीने अखी सोसाइटी ने सबे इतलो मट्टू रमखान करी दी. स्टूल पर चढ़ी गयो. लाओ स्टूल लेकर आओ. चल जा स्टूल पर. एम पंख ऊपर करी ने बैस. हाँ. रोशन. नो. तुझे सुबह तक ऐसे ही भीगना पड़ेगा ताकि अगली बार पार्टी शार्टी करने से पहले तू हजार बार सोचे. और रोशन मेरे से गलती होगी. मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ. मैंने माफ कर दे. ये पानी भर कर मैंने ठंड लग रही है. ठीक है मैं अभी जाकर सामान पैक करती हूँ. अरे रोशन कितनी सी बात के लिए तेरे को सामान पैक करके घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है यार. हाँ घर छोड़ के मैं नहीं तू जाएगा. हाँ पार्टी शार्टी करके तमाशा करने वाले की अब इस घेर में कोई जगह नहीं. रोशन कमाल है. मैं तेरे को छोड़ के किधर जाऊंगा. गुल्लू तेरा दोस्त गुल्लू है ना छोटा प्रा उसके पास. और गुल्लू का तो तू नाम भी मत ले यार. होता है उल्लू का पटा है. नहीं रे नहीं वो तो सेलिब्रिटी है. थ्री इन वन है. क्या थ्री इन वन है. एक कोल्ड्रिंक खोल के तीन खोल के पिला दी. बेशरम नफ़्फ़त. छुट्टू छुट्टू बोले छे. छुट्टू नल्ला छोकरो छे ना कि जैसे छोटे बच्चे को दवाई पिलाते वैसे तुझे शराब घोल कर पिला दी. हाँ सॉरी रोशन आगे से मैं पार्टी शादी करके ऐसा तमाशा नहीं करूंगा. तमाशा तो हो गया. आखिर सोसाइटी के सामने तेरी रोशन को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुझे पता है. मारी नाक कपाई गई. मेरी इज्जत का फालूदा हो गया. डोंट वरी वो फालूदा मैं पी जाऊंगा. हाँ मज्जा मज्जा करे छे. सच्ची में पी जाऊंगा. रोशन प्लीज मुझे ठंड लग रही है. मुझे पानी से बाहर आने दे. रोशन मेरी जान वो सोसाइटी ओपनिंग की सबको कितनी खुशी है. और अगर मैं सोसाइटी से बाहर चला जाऊंगा तो सबकी खुशी गम में बदल जाएगी ना. हाँ रोशन. अच्छा एक काम कर सोसाइटी ओपनिंग हो जाने दे फिर मुझे घर से बाहर निकाल देना. ठीक है सोसाइटी की ओपनिंग हो जाने दे फिर तुझे उसके बाद चौक्स सजा मिलेगी. खरे कर. हाँ आई ले. जल्दी बाहर आओ. बच गए. जब तक सोसाइटी की ओपनिंग होगी मेरी रोशन का गुस्सा उतर जाएगा और वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगी. आई लव यू रोशन. एंड आई हेट यू गुल्लू. क्या सोच रहे हैं आप खर्चे के बारे में माधवी. ना तो दिवाली है ना आप नई गाड़ी लेने वाले हो तो कौन से खर्चे के बारे में सोच रहे हो. माधवी मैं अपने घर के खर्चे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ सोसाइटी के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ. अभी मीटिंग में डिसाइड हुआ ना कि सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम करेंगे. तो अच्छा है ना शानदार प्रोग्राम होगा मजा आएगा ना. नहीं मजा तो आएगा लेकिन किसी ने सोचा कि कितना खर्चा होगा क्या क्या खर्चा होगा. तो उसमें सोचना क्या है हम अकेले थोड़ी खर्चा करने वाले. मिल बांट के खर्चा होगा. लेकिन उसमें हम लोग भी आ गए ना माधवी. और ऊपर से तुमने बोल दिया कि हमारे जान पहचान वालों को बुलाते. अरे हमारी जान पहचान वाले रत्नागिरी में रहते वो तो यहाँ पे आने से रहे. पता नहीं बाकी सारे लोगों के कितने जान पहचान वाले आएंगे उनका खर्चा तो हमारे सर पर आएगा ही ना. पता है एक बैंक ने स्कीम रखी है टेंशन लेने वालों को बिना इंटरेस्ट लोन मिलेगा. कितना टेंशन लेते हैं आप. सोसाइटी का ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही ना. थोड़ा खर्चा होगा माधवी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत खर्चा होने वाला है इसलिए टेंशन है. जो हो रहा है वो होने दीजिए ना. और जरा सोचिए उस दिन गुड़ी पड़वा है और ऐसे शुभ दिन पर सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है कितनी खुशी की बात है. उसकी खुशी मनाइए. कितना टेंशन लेते हो. ऐसे रखिए पता नहीं कब सुधरेंगे. पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन सुंदर नहीं. बोल दिया 23 तारीख तक सोसाइटी रेडी हो जाएगी
और सोसाइटी वाले भी बिना सोचे समझे ओपनिंग की तैयारी में लग गए। 23 तारीख तक सोसाइटी का काम सुंदर पूरा करेगा ये बात पता नहीं क्यों लेकिन हजम नहीं हो रही है। उसने बस फेंका होगा, पैसों का बंदोबस्त हो गया। अरे कहां से हो गया, 5 लाख का बंदोबस्त इतनी जल्दी होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे माँ, नामुमकिन को ही मुमकिन करने वाले को सुंदर कहते हैं। हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी 23 तारीख को है, गुड़ी पड़ा के दिन। क्या कहा? कुंपन मस्त है। ये देखो, फेको वीरा की फेको बहन। क्या कंपाउंड मस्त है, तूने कभी देखा कंपाउंड? मैं तो रोज देखती हूँ। अरे बाबा, माँ ने आपका नया नाम रखा है कंपाउंड। अरे माँ, तुम्हें सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में आना पड़ेगा। अरे ये 10 शनिग्रह जैसा भारी सुंदर शहर नहीं होता तो 100 शनिग्रह जैसी सासू माँ को कहाँ बुला रही है। अरे माँ, आके देखो तो सही, सुंदर वीरा ने कैसा शानदार काम किया है। शानदार काम? अरे शानदार काम किया है तो सोसाइटी देखने से मना क्यों कर रहा है? नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और कॉम्पाउंड तुम्हें प्लान में लेने के लिए आ रहे बस। ओफो माँ, ये तूने क्या किया? 23 तारीख को ही पॉल में भजन क्यों रखा? तो मैं टिकट कैंसिल करवा दूँ? टिकट कैंसिल करवा दीजिए। ली कभी? टिकट कभी ली? हाँ हाँ, सॉरी, मैं खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल बोल करती हूँ, सॉरी। अरे माँ, ठीक है तो मैं सोसाइटी सेरेमनी का फोटो है ना वो बाद में भेज दूंगी। ठीक है मम्मा, बाय। टप्पू के पापा चलिए, सोना नहीं है। मेरी नींद उड़ चुकी है। क्यों, क्या हुआ? क्या क्या हुआ, मुझे नहीं लगता दया ये सुंदर 23 तारीख तक सोसाइटी का काम पूरा करेगा। अरे बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि सुंदर हीरा 23 तारीख को सिर्फ काम ही पूरा नहीं करेगा, जो भी काम किया होगा ना वो झकास होगा। आप चिंता मत कीजिए और सो जाइए। काम झकास किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झकास की जगह अगर बकवास किया होगा ना तो जिंदगी भर में सोसाइटी वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शुरू। मतलब अगले 2 महीने तक गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामे होने वाले हैं। अच्छा पोपट अंकल, वो सेलिब्रिटी को बुलाने की जिम्मेदारी आपने ली है? बच्चों क्या है ना, गोकुलधाम सोसाइटी वाले जानते हैं कि पोपट अंकल की पहचान बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है, तो मीटिंग में सबने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की हाथ जोड़कर कि पोपटलाल प्लीज प्लीज फंक्शन के लिए कोई अच्छी सेलिब्रिटी बुला लो ना। भाई गोकुलधाम वालों की रिक्वेस्ट को तो मैं मना नहीं कर सकता ना, तो इसलिए मैंने कह दिया ठीक है काम हो जाएगा। और एक बार पोपट अंकल ने बोल दिया मतलब बोल दिया काम हो जाएगा। पोपट अंकल, कौन सी सेलिब्रिटी आ रही वाली है? हाँ। भाई गोकी, कोई भी सेलिब्रिटी आ सकती है। कोई भी नहीं, किसी अच्छी सेलिब्रिटी को बुलाना। भाई एक गोली, पोपट अंकल बुला रहे तो अच्छी सेलिब्रिटी होगी ना, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होगी। पोपट अंकल, आपकी बात तो हो गई ना उनसे? भाई हो जाएगी, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भाई मैं चाहूं तो सेलिब्रिटी को अब भी फोन करके गोकुलधाम सोसाइटी में बुला सकता हूं। तो बुला दो। तो फिर उस दिन क्या करेंगे? भाई सेलिब्रिटी अगर फंक्शन में आए तो ही अच्छा लगता है ना? भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो और अपने हंगामों को चालू रखो है। हाँ। चलो बाय बच्चो। गोकुलधाम ओपनिंग सेरेमनी एकदम रॉकिंग होगी। सचिन तेंदुलकर ऑफिस जी, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ तूफान एक्सप्रेस से। हाँ, वो 23 तारीख को एक फंक्शन के लिए सचिन जी को इनवाइट करना था। क्या 23 तारीख को मैच है उनका?
अच्छा उनको आप मेरी तरफ से ऑल द रख दिया, बाद में बिजी होंगे। अब बच्चन साहब को ट्राई करते हैं। हेलो जी, मैं तूफान एक्सप्रेस से पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। बांबू बांबू हटाओ, पूरा कंपाउंड खाली कर दो। ए बका जरा जल्दी कराओ, परसों गुड़ी पर्व है, अपने पास कल रात तक का ही वक्त है। सोसाइटी का सारा काम हो जाना चाहिए और पूरी सोसाइटी भी एकदम क्लीन हो जानी चाहिए। सुंदर भाई, सारा काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। शाबाश बका। चलो भाई, पूरा बांबू हटाओ। वो बल्टे पूरा टेम्पो में माल खाली करो। चलो चलो। गोकुलधाम वासियों, अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी सोसाइटी आपको देखने मिलेगी। ए भाई जरा जल्दी करो, चलो उठा उठा चलो यार। दादाजी टप्पू जाने का वेकेशन शुरू। अब हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। दादाजी पता है सोसाइटी ओपनिंग में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है। क्या मतलब? दादाजी सेलिब्रिटी मतलब जो स्टार हो, जो फेमस हो। हाँ, और वो बड़ा स्टार आकर हमारी सोसाइटी की ओपनिंग करे। मतलब मुख्य अतिथि? हाँ अतिथि। अरे मतलब मुख्य मेहमान। यस। बच्चों मैंने सोसाइटी की ओपनिंग के लिए मुख्य अतिथि ढूंढ लिया है। कौन दादाजी? कौन कौन दादाजी? कौन कौन बता दो। गोकुलधाम के ओपनिंग के लिए इससे बड़ी सेलिब्रिटी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन दादाजी ये सेलिब्रिटी आने के लिए तैयार हो गए ना? पहले मना कर रहे थे लेकिन फिर मैंने मना लिया। वाह दादाजी ये। अरे पर टप्पू, पोपट अंकल भी तो एक बड़ी सेलिब्रिटी लेके आने वाले हैं। अरे हाँ यार, फिर तो उन्हें मना करना पड़ेगा। चलो उनके घर जाकर उनको मना कर देते हैं। दादाजी आपने बहुत अच्छी सेलिब्रिटी बुलाई है। आराम से। अरे भाई जानता हूँ 23 तारीख को वो अवेलेबल नहीं है। आप बताइए आप आ सकते हैं क्या 23 को? क्या आप भी अवेलेबल नहीं हो? रखो भाई फोन रखो। सेलिब्रिटी तो दूर की बात है, उसका सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं है। भगवान। पोपड़ंगल, पोपड़ंगल, पोपड़ंगल। टप्पू सेना। भगवान, अब इनको क्या जवाब दूंगा? हेलो भाई, 23 बिल्कुल फाइनल है। हाँ जी पोपड़ंगल। नहीं क्या है ना, एग्जैक्ट टाइम तो मैं एक आध दिन में कंफर्म कर ही दूंगा। अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, कार भिजवा दूंगा। ठीक है तो 23 डन है। ओके थैंक यू बाय। पोपट अंकल वो सेलिब्रिटी डन हो गई है। तुम्हारे सामने ही बात की ना मैंने। लेकिन वो सेलिब्रिटी का नाम मत पूछना, वो सरप्राइज है। क्या है ना, अभी से बता दूंगा तो मजा नहीं आए। आपको अपनी सेलिब्रिटी को मना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दादाजी ने दूसरी सेलिब्रिटी को डन कर दिया है। क्या क्या चंपक चाचा ने ऐसे कैसे दूसरी सेलिब्रिटी को फाइनल कर दिया? भाई सेलिब्रिटी को फाइनल करने की जिम्मेदारी पत्रकार पोपटलाल की थी, तो मैंने सेलिब्रिटी को फाइनल किया है। सॉरी पोपट अंकल, पर आपको उन्हें मना करना ही पड़ेगा। नहीं 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 टप्पू, ऐसे कैसे मना कर दूं भाई। अरे भाई दोपहर से मैं फोन पे लगा हुआ था तब जाकर के सेलिब्रिटी मानी है।
सेलिब्रिटी को ऐसे मनाना आसान थोड़ी होता है भाई, तुम लोग समझते नहीं हो प्रॉब्लम को। भाई क्या है कि अभी मुझे सेलिब्रिटी को फोन करके वापस मना करना पड़ेगा तो कितना बुरा लगेगा। सॉरी भाई टप्पू, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है पोपट अंकल, तुम लोग दादाजी को बता के आते कि उनकी सेलिब्रिटी को मना कर दे। चलो टप्पू, रुक भाई रुक भाई। क्या है, चंपक चाचा हमारे बुजुर्ग है, हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते, इसलिए काम करते हैं उनकी सेलिब्रिटी को डन रखते हैं। मैं अपनी सेलिब्रिटी को किसी तरह से मना लूंगा। वो क्या है ना कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध है, तो आई विल मैनेज। ओके वो छोड़ो, ये बताओ कि भाई चंपक चाचा ने कौन सी सेलिब्रिटी को फाइनल किया है? उनका नाम सरप्राइज है, नहीं बता सकते, बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ बच्चों प्रोग्राम के लिए अब और कोई काम बाकी है? पोपट अंकल एक काम बाकी है। अच्छा तो फिर बताओ। सेलिब्रिटी के लिए रेड कार्पेट का इंतजाम बाकी है। ओए टप्पू, मेरे घर पे ब्लू कार्पेट है, चलेगा? गोगी गोगी बेटा एक मिनट, टप्पू रेड कार्पेट का अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा तुम लोगों ने सबको इनविटेशन तो दे दिया है ना, कोई रह तो नहीं गया ना? वैसे तो हमने सब लोग को इनविटेशन दे दिया है, पर हम लोग ने सोचा है कि दूध वाले अंकल, पेपर वाले अंकल, फिर सब्जी वाली आंटी और जिन जिन लोगों का हमारी सोसाइटी में रोज आना जाना है उन सबको बुलाएंगे। वाह 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 बच्चों, बहुत नेक विचार। भाई चिंता मत करो, ये काम भी मैं और भिड़े देख लेंगे। हैं थैंक यू पोपट अंकल, चलो चलो बहुत काम बाकी है। हाँ चलो चलो, डेविन हम सब की तरफ से सुंदर भाई को चक्कस थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी वजह से आज सोसाइटी का काम पूरा होने वाला है। वाव, कल कितने दिनों बाद हमें सोसाइटी देखने मिलेगी। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, कब से मन कर रहा है कि जल्दी से सुबह हो और मेरे वीरा ने कैसी सोसाइटी बनाई है वो जल्दी से देखूं। हाँ दया भाभी, सेम ऐसा ही फील हो रहा है। और हमारी शानदार सोसाइटी की शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली है। पर कल सोसाइटी के ओपनिंग में मैं क्या पहनूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम सो कंफ्यूज्ड। एग्जैक्टली कोमल भाभी, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, है ना? पर सोच रही हूँ कि इसी बहाने एक नई साड़ी ले लूँ। ओहो बहाने, क्या बात है, ले लूँ ले लूँ। ए मेरा तो प्लान फिक्स है, सुबह पूजा में नववारी साड़ी और शाम को पार्टी वेयर। गुड आइडिया। ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई कि नहीं? डोंट वरी अंजलि भाभी, हम सब का अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स कर दिया है। हाश ग्रेट, अच्छा क्या बबीता जी, अरे सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार हो रही है तो हम भी शानदार दिखने चाहिए कि नहीं? और क्या? अरे खाइए ना, हर्बल टी नहीं। सुंदर भाई एक प्रॉब्लम हो गया है। कौन सा प्रॉब्लम? अरे काम तो सभी पूरा हो जाएगा लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कौन सी गड़बड़? बकाई ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, चीचा जी को पता चल जाएगा तो वो मेरे सर पर नानिया रास खेलेंगे। तो भाग, कुछ ना कुछ कर। सुंदर भाई मैं कुछ करता हूँ। भाग। अरे रे, जीजा जी को इस गड़बड़ के बारे में पता चल जाएगा तो उनको संभालना भारी हो जाएगा। मित्रों इस वक्त मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है, अगर आश्चर्य को नापा जा सके तो शायद इस वक्त मेरा आश्चर्य हिमालय से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। अब देखिए ना कैसे संभव हुआ ये, सुंदर और बका के रहते सब काम आसानी से होते चले जा रहे हैं, कल कल पानी की तरह। अब देखिए ना गुड़ी पड़वा के पवित्र दिन इस रिनोवेटेड सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी भी तय हो गई और टप्पू सेना और चंपक चाचा ने एक सेलिब्रिटी गेस्ट को भी तय कर लिया है। भाई ये तो सपना सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है सपना ही है क्योंकि हकीकत में तो सुंदर और बका ने गड़बड़ कर दी है, उनसे एक गलती हो गई है। लेकिन क्या है गलती भाई, ये तो नहीं जानता मैं गलती क्या है, लेकिन टेंशन जरूर होने वाला है। अब ये ओपनिंग सेरेमनी का समंदर पार करते हैं गोकुलधाम के निवासी या फंसते हैं भंवर में, कुछ भी हो आपके घरों में हंसी की लहरें बरकरार रहेगी मेरे साथ, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े मास्टर, इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? आप बताओ भाई भिड़े, आपने बात क्या है, सबको बुला लिया ऐसा क्या हुआ? जरूर सुंदर का ही कुछ लफड़ा होगा। नहीं कोई लफड़ा नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, देखिए
गोकुलधाम वासियों, कल हमारे लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। अरे महत्वपूर्ण तो होगा ही ना भिड़े, गुड़ी पड़वा का दिन है, नव वर्ष का पहला दिन। हाँ जी, और कल तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी भी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, चंपक चाचा जी ने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया ओपनिंग करने के लिए। अच्छा बापू जी। हाँ हाँ, और लेकिन वो सेलिब्रिटी कौन है ये सरप्राइज है। फिर भी कौन है जरा बता दीजिए। अरे वो सरप्राइज ही रहेगी। कोई पूछना मत कि कौन है, कल आएंगे तो सब लोग देख लेना। हाँ, लेकिन सब लोग को एक बात जरूर बताऊंगा कि आप सब लोग उन्हें जानते हैं। अच्छा, देखते हैं कौन है। हाँ, और मुझे यकीन है कि हमारी महिला मंडल ने कल पूजा का पूरा आयोजन कर लिया होगा। वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ, हमारे पंडित जी ने हमें कल सुबह 11:23 का विजय मुहूर्त दिया है। हाँ, तो सबको टाइम पे पहुंच जाना है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हुई ये जाहिर करता हूँ। अभी तक सोए नहीं, चलिए जल्दी से सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे सोऊंगा कहाँ से, मेरी छठी इंद्रिय चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कल जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, अब यही सोच रहे ना कि सुंदर वीरा ने सोसाइटी का काम पूरा किया होगा कि नहीं। अब भले मेरे सुंदर वीरा पर भरोसा ना करें, लेकिन कल आपको पता चल जाएगा कि सुंदर वीरा क्या चीज है। वो तो कल पता चल ही जाएगा कि वो चीज है, बटर है क्या, कड़वे नीम की चटनी है। इसलिए ये होशियारी तो अभी बचा के रख, कल वापरना। कलयुग है, घोर कलयुग है, पूरे जमाने को सुंदर वीरा पर भरोसा है, लेकिन सगे जीजा जी को ही भरोसा नहीं है। हाँ नहीं है भरोसा, बोल क्या कर लेगी। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ, मुझे तो कल सुबह जल्दी उठ के जाना है। जब तक मैं खुद जाके सोसाइटी अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ जरा। चेक करने जा रहे हैं ना कि सुंदर हीरा ने सोसाइटी का काम पूरा किया होगा कि नहीं। अरे ज्यादा खाने की वजह से पेट में गैस हो गया है, थोड़ी हलन चलन करने जा रहा हूँ। सॉरी। लेकिन तू सो जा, तू फटाफट आराम से सो जा, क्योंकि तुझे क्या है, सपने में भी सोसाइटी की ओपनिंग शेरवानी में जाना है ना। थैंक यू भाई। चलो अच्छा है, सिक्योरिटी वाला कोई नहीं है इधर, मैं फटाफट सोसाइटी में देख लेता हूँ। देखिए सुंदर सेठ ने आप लोगों को सोसाइटी देखने से मना किया है, फिर भी आप झांक रहे हैं। ए होशियार, ये मेरी सोसाइटी है और मैं देखूंगा। देखिए, यदि आप देखेंगे तो मुझे भी देखना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? वही जो हमें सिखाया जाता है, सिक्योरिटी तोड़ने वाले को।
अरे मच्छर ने काटा, खुजली हो रही है। देखिए आप हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, अभी आप जाइए। अरे भाई ये मेरा घर है, आप मुझे मेरा ही घर देखने से मना कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या हुआ यादव? अरे जीजा जी आप क्या हुआ जीजा जी? सुंदर सेठ आपके जीजा जी पकड़े गए। ये भाई ये पकड़े गए मतलब क्या? मैं क्या चोरी थोड़ी कर रहा था? अरे सोसाइटी में झांकते हुए पकड़े गए। अरे क्या जीजा जी आप ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते हो? अरे कल सुबह सब लोगों को सोसाइटी देखने मिलने ही वाली है, तो फिर आपको आज ही सोसाइटी देखने की इतनी तालाबीली क्यों है? बस आज रात की ही तो बात है। तेरा क्या भरोसा भाई, तू तो कल बोल देगा रात गई बात गई। नहीं भाई नहीं, मुझे सोसाइटी अभी देखनी है। मैं देखना चाहता हूँ तूने क्या गड़बड़ की है, चल दिखा। देखो जीजा जी, मैंने जो भी गड़बड़ किया कल आपको पता चल जाएगा। आज कत्ल की रात है। मतलब? मतलब कि आज आखिरी रात है, मुझे बहुत सारा काम निपटाने हैं। प्लीज मेहरबानी करके आप मुझे काम करने दो और आप जाओ। यादव जी, साहब को सम्मान के साथ उनके घर तक छोड़ के आओ। जी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकता हूँ। गुड बॉय, थैंक यू। कल से इधर से जाना। तुम उधर ध्यान रखो, मैं उधर ध्यान रखता हूँ। ये माय डियर जीजा जी कल गुड़ी पर्वा के दिन टेंशन छोड़कर हंसते हुए आए तो अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी देखने के बाद उनको टेंशन होने वाला ही है। टप्पू के पापा, आप मुझे भले वीरागिरी कहे लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए पहले आप हो, बाद में सुंदर वीरा है। लगता है नींद में भी टप्पू के पापा सुंदर वीरा की ही चिंता कर रहे हैं। जीजा जी को इतनी रात को भी चैन नहीं है। बोलिए माय डियर जीजा जी। वीरा मैं हूँ। बहना इतनी रात को कोई टेंशन तो नहीं है ना बहना? नहीं नहीं वीरा कोई टेंशन नहीं है, बस तुम्हें इतना कहना है कि कल सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में तुम कोई टेंशन मत होने देना। कल गोकुलधाम वासी सोसाइटी देखे तो उनको पसंद आनी चाहिए। तुम्हारे जीजा जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुंदर ने 30 लाख का खर्चा दिखाया और 20 लाख का भी काम नहीं किया। ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी देख के वो तुम्हें गले लगा ले। मीरा मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मेरा भरोसा टूटने मत देना। बेना मैं तेरी चिंता समझ सकता हूँ, और जो मैंने जीजा जी से कहा था वही तुमसे कह रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम DNT है, दया एंड टपू कंस्ट्रक्शन कंपनी, और सुंदर के लिए उसकी बहना और भांजाई जान मान और सम्मान है। बहना तू बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक यू वीरा, थैंक यू।
हो तुम्हारा नवीन वर्षाचा खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तुला सुद्धा गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. सदा खुश रहो. पता है माजी, हमारे जमाने में आहो अभी अभी तो आपने कहा सदा खुश रहो. तो ठीक है, आज साल के पहले दिन में हमारे जमाने की बात नहीं करूंगा. थैंक यू. चलो नीचे जाना है, सब राह देख रहे होंगे. सब खुश हो जाएंगे. बढ़िया लगा ना भाई. अरे भाई ये तो रेपर है, प्रोडक्ट देखोगे तो खुश हो जाओगे. दिखाओ भाई जल्दी. सच कहा सुंदर भाई, आपने प्रवेश द्वार इतना अच्छा सजाया है तो सोसाइटी तो कितनी अच्छी बनाई होगी. अरे लेकिन आज गुड़ी पड़वा है, नया साल है, ये आदमाराम किधर है? अरे हाँ, भीड़ भाई, भीड़ भाई, इधर इधर इधर, आगे आगे भाई, आगे. उससे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़ी पड़वा की. तुम्हें भी हैप्पी गुड़ी पड़वा. हैप्पी गुड़ी पड़वा. लड्डू काका आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू थैंक यू. ओहो हैप्पी गुड़ी पड़वा. क्या बात है, आज आप बार बार हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं. क्या है कि आज मैं बहुत खुश हूँ अमिता जी. वैसे खुश तो बाकी सब भी है, लेकिन आप थोड़े से ज्यादा ही खुश लग रहे हैं. बिल्कुल सही पकड़ा आपने. क्या कि इतने दिनों से बालकनी बंद थी, बालकनी में आना जाना बंद था, तो अभी आज से बालकनी खुल जाएगी तो फिर से दर्शन चालू. दर्शन? सूरत सूरत दादा के दर्शन. सूरत दादा के. और बबीता बबीता. हाँ हाँ एक मिनट. हाँ भैया और भाई भी राइट टाइम पे टपक पड़ते हैं. अरे गोकुलधाम वासियों जरा सुनो, मुझे लगता है कि आप लोगों को गोकुलधाम सोसाइटी देखने में इंटरेस्ट नहीं है. ले अरे भाई देखनी है, जरूर देखनी है. अरे क्या बात है. अच्छा इंटरेस्ट है तो चलो 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 चलो. सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करते हैं. चलो आइए सबसे पहले मंदिर देखते हैं. आइए चलो भाई चलो. अरे आइए सबसे पहले मंदिर देखते हैं. मंदिर देख के आप लोग मुझे सच सच बताना कि कैसा लगा आप सब लोगों का मंदिर. आइए आइए देखिए ये मंदिर. ओहो क्या बात है यार. मस्त लग रहे यार. चाचा जी का डमरू देखिए. सुंदर अति सुंदर. क्या बात है. क्या बात है सुंदर भाई. बहुत बढ़िया. बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है आपने. थैंक यू बाजू बाबी थैंक यू. हाँ वीरा, मंदिर पहले से भी और भव्य लग रहा है. सही बात है बेना, ये सब माँ का आशीर्वाद है. ओए सुंदर प्रा, अब मंदिर तो एकदम शानदार बढ़िया ब्यूटीफुल हो गया यार. अरे सुनी भाई, ये सुंदर जो भी करता है एकदम दिल से करता है. फिर बिल भले ज्यादा हो जाए. जेठालाल तुम क्यों आज पोपटल की तरह बात कर रहे हो? वो भीड़ है, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मेरा मतलब है कि तुम कैसे हर चीज बारीकी से देखकर उसमें प्रॉब्लम निकालते हो.
ऐसा बोला मैंने। तुम्हारा मतलब है कि मैं हर प्रोग्राम में प्रॉब्लम ढूंढता हूँ? प्रॉब्लम निकली? नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था। नहीं, इन जनरल का क्या मतलब है भाई? अरे आप सब लोग आपस में चर्चा करना बंद करो और सबसे पहले मंदिर में पूजा कर लो। चलो चलो, एक ही बात है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गणपति बप्पा अम्बे मात की। अरे ये सो गया क्या, उसको उठाओ। ओ भाई पोपटलाल, ओ पोपटलाल, अरे मंदिर की घंटी है भाई, कोई फायर ब्रिगेड की घंटी नहीं है कि लगातार बजाए जा रहे हो? हो गई भाई आरती, खत्म हो गई। अरे बुढ़बक, नई घंटी आज ही लगाई है, आज ही तोड़ देगा क्या? ओ भगवान के मंदिर में जितनी मर्जी घंटी बजा ले, और जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तेरी शादी नहीं होगी। सही बात है। कंसल, कंसल, मैं अपनी अशुभ वाणी बोलना कंसल करो। किसी ने भी अगर मेरी शादी के बारे में ऐसे वैसे बोला तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नए साल की शुरुआत हो गई। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े इस नई बनी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का पुराना सेक्रेटरी। हाँ हाँ हाँ, पुराना लेकिन एक में वो सेक्रेटरी। हाँ, एक, एक। आप सभी को आज के दिन की यानी कि गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही ये घोषणा करता हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पूरी तरह से रिनोवेट होकर हमें नए रूप में देखने मिलेगी। एक मिनट भाई, वो तो पिछले कितने दिनों से सुनते आ रहे कि हमारी नई बनी हुई सोसाइटी देखने मिलेगी, लेकिन कभी देखने मिलेगी? हाँ सुंदर भाई, देखो मंदिर तो तुमने दिखा दिया, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन अब सोसाइटी कैसी बनी है, सारे लोग इतने दिनों से बेसब रहे, अब इंतजार नहीं होता भाई, अब दिखा दो सोसाइटी कैसी। हाँ हाँ मेहता साहब, आप लोगों को सोसाइटी में जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सोसाइटी देखने का बेसब्री से इंतजार है, और मुझे बेसब्री से इंतजार है सेलिब्रिटी को देखने का जिन्हें आप लोगों ने बुलाया है। हाँ हाँ, मुझे भी देखना है कि कौन से बड़े व्यक्ति आने वाले है। चलो चलो, नई सोसाइटी देखने के लिए। आओ सब, आओ चलो, अरे एकदम खुश हो जाओगे आप, आओ चलो, आओ जल्दी आओ। चाचा जी देखते हैं अभी क्या। जिस शुभ घड़ी का इंतजार था मित्रों, वो शुभ घड़ी आ गई। तमाम गोकुलधाम निवासी बेहद खुश हैं। ऐसे ही खुश जैसे विवाह के अवसर पे परिवार के सदस्य होते हैं। और क्यों न हो खुश, आज गोकुलधाम सोसाइटी जो रिनोवेट हुई है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। अब कैसी होगी गोकुलधाम सोसाइटी? कोई दूल्हा जिसने दुल्हन न देखी हो उसके दिल में जो कश्मकश होती है ना, दुल्हन कैसी होगी, ठीक वैसी कश्मकश से गुजर रहे हैं गोकुलधाम के निवासी। और सुंदर और बका, उनका टेंशन ये है कि मान लीजिए जैसे किसी दुल्हन जिसके फिर होने वाले और अभी तक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन नहीं आई हो, उस टेंशन से गुजर रहे वो। और इन सब के ऊपर टपू सेना और चंपक चाचा ने बुला ली एक सेलिब्रिटी, यानी कि बहुत सारे हंगामे हैं। और यहां गोकुलधाम सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सोसाइटी कैसी बनी है पता नहीं, सेलिब्रिटी कौन आने वाला है उद्घाटन के लिए पता नहीं, सुंदरलाल और बका ने क्या गड़बड़ की है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे कि आप ठाके लगाते लगाते थक जाएंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई सुंदरलाल एक बात बताओ, ये सोसाइटी 100% कंप्लीट तो हो गई है ना? हाँ पुपट भाई, सोसाइटी कंप्लीट हो गई है। वो ठीक बापा। हाँ रेडी है सोसाइटी, रेडी है। तूने देखी सोसाइटी? नहीं। तो क्या रेडी है? रेडी है। हम दोनों कौन है? पति पत्नी। अरे नहीं, मैं और सुंदर वीरा कौन है? मनुष्य। अरे नहीं, मनुष्य नहीं, हम दोनों भाई बहन है, और वो भी ऐसे ऐसे भाई बहन नहीं, ऐसे भाई बहन जिनको एक दूसरे पर कॉम्प्लीट विश्वास है। हम दोनों काम लैड कर सकते हैं, लेकिन अधूरा कभी नहीं छोड़ सकते। सुंदर भाई, सोसाइटी देखने की मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ मेरी भी जिज्ञासा, जिज्ञासा।
उत्सुकता। हाँ सुंदर भाई, हम सबकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है, जल्दी से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी दिखा दीजिए। हाँ हाँ बड़ी सुंदर भाई, जल्दी जल्दी सोसाइटी दिखाओ नी बाबा। नहीं मतलब अभी सेलिब्रिटी गेस्ट को तो आने दो। अरे पर सेलिब्रिटी गेस्ट है कहाँ? अरे कहाँ है वो तो बात की बात है, पहले ये तो पता चले कौन है। और चाचा जी आप तो बता दो सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है। बापू जी को सब पता होता है। बताइए बताइए बताइए। अरे चाचा जी हंस रहे हैं, इसका मतलब सेलिब्रिटी कोई कॉमेडी स्टार है। नहीं 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 आई थिंक कोई फिल्म स्टार आने वाले होंगे। अमित बच्चन जी। नहीं 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 आई थिंक इट्स गोना बी रणबीर कपूर। मतलब आज के सुपरस्टार शाहरुख खान आमिर खान या फिर सलमान खान या अक्षय कुमार। नहीं जेनिलिया देशमुख। अरे पहले वो जेनिलिया डिसोजा थी ना, अब देशमुख हो गई। हाँ मतलब उसकी भी शादी हो गई। ये बोलना जरूरी था। अरे भाई आप लोग क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, गेस करने की क्या जरूरत, चाचा जी खुद बता देंगे कौन है आखिर। बताइए चाचा जी। हाँ बापू जी अब सस्पेंस खोल ही डाली है, जब आएंगे तब सस्पेंस अपने आप खुल जाएगा। भाई लगता है सेलिब्रिटी गेस्ट ने आना कैंसिल कर दिया है। मेरा मतलब है कि शायद कैंसिल कर दिया हो। वो बोल ना रहा है। चुप रहे, शायद वाली डिब्बा कहीं का। नहीं नहीं पोपट अंकल उनको अब भी फोन करता हूँ। मामा फोन दो ना। लगा लगा ये ले पांजे। हेलो हाँ टप्पू बोल रहा हूँ गोकुलधाम से। सॉरी आपको डायरेक्ट फोन किया। वो क्या है ना यहाँ पर सब लोग आपकी वेट कर रहे हैं। आप कहाँ पहुंचे? ओ ओके 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 नो प्रॉब्लम बाय। ये लो मामा। थैंक यू पांडे। क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पहुंचे? सेलिब्रिटी गेस्ट अभी आ ही रहे। वो टाइम के बहुत पंक्चुअल है। अरे पंक्चुअल है इसलिए तो सेलिब्रिटी है। तो पंक्चुअल तो तू भी है फिर, तू सेलिब्रिटी नहीं है। समझ गया सोड़ी, समझ गया। और तो और उनके आने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी है। 20 सेकंड? क्या बात है। 20 सेकंड मतलब वो तो इधर ही हो गया नुक्कड़ पे। अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी है।
ए, ये तो छुट्टन है। अपने घर पे आपके पास खत पढ़वाने आया था वो। हाँ, अरे भाई इसी ने तो सोसाइटी में कलर का काम किया है जेठालाल। अरे हाँ, ये तो प्लास्टरिंग का काम करने वाला कड़ी है। हाँ, ये मिस्त्री है। हाँ, ये चाचा जी मेरे यहाँ सोडा पीने के लिए आते थे। अरे हाँ, ये तो वही सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सोसाइटी के रेनोवेशन का काम किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। और यही सब लोग हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि। बुजी, बापूजी वाह, सैल्यूट करता हूँ आपको। क्या बात है चाचा जी, जिनके हाथों से सोसाइटी का पुनर्निर्माण हुआ उन्हीं के हाथों से उद्घाटन होगा। इतनी महान सोच आप जैसा बुजुर्ग ही सोच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच में चाचा जी बहुत अच्छा किया आपने। टप्पू सेना और पूरी गोकुलधाम की तरफ से आप सभी का गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। अरे आइए अंकल, समय मत आइए। आइए आंटी, आइए हम बोगी चाहिए प्लीज। बहू नहीं छोटे साहब, हमें इतना बड़ा मत बनाइए। हम जो गाड़ी छू भी नहीं सकते थे, आप लोगों ने हमें उसमें बिठाया, इतना भव्य तरीके से स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत एहसान है। हाँ, और आज हमारा जीवन धन्य हो गया। अरे हम लोग तुम लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो तुम लोगों का हक है। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी। अरे एहसान कैसा, आप लोगों के परिश्रम की कीमत हम लोग चुका सकते हैं क्या? आप लोग दिन रात एक करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मौसम की परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों के सपनों के घर सजाते हैं। और आप ही लोग अगर मुख्य अतिथि बन के आए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। क्या बात है। हाँ। आप लोगों की पूरी जिंदगी तो दूसरों के घर बनाने में बीत जाती है और आप लोग खुद एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हो। पत्रे के घर में रहते हो, छोटे घर में रहते हो। और देखिए तो कितने शर्म और दुख की बात है हम सब लोगों के लिए कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग खुद घर बनाते हैं उन्हें बाद में उस घर में आने नहीं दिया जाता। हाँ बेटा, कड़वा सच्ची हमारा जीवन है। और आप हमें इतना सम्मान दे रहे हो। अरे हमारा तो कर्म ही है दूसरों के सपनों को सजाना। और हमारा कर्म है हमारे सपने सजाने वालों के सपने हम सजाएं। इसीलिए हमारी सोसाइटी का उद्घाटन आप लोग ही करेंगे। हाँ। और हाँ, सिर्फ उद्घाटन करने के लिए नहीं, हाँ आप सबकी जब मर्जी हो आप गोकुलधाम में आ सकते हो। भाई गोकुलधाम का गेट और हमारे दिल आप सब लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। yeah!
गोकुलधाम के दोस्तों, तालियां तो होनी चाहिए चंपक चाचा जी के इस लाजवाब सोच के लिए। भाई क्या हम सभी लोग दिल से प्रार्थना करेंगे कि गोकुलधाम में रहने वाले को भगवान हमेशा खुश रखे। हम सभी प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग, ये क्या पर्दे के पीछे एक और पर्दा? जरूर अंदर कुछ गड़बड़ है। मिनट रुक जाइए, मत काटिए। बागा बॉय, नाउ व्हाट हैपन? रुक जाइए, रुक जाइए। क्या हुआ बागा? रिबिन काटकर उद्घाटन करना पश्चिमी परंपरा है। तो फिर अब क्या करना है? अरे भाई तो क्या रिबिन नहीं काटे? नहीं नहीं काटिए, लेकिन काटने से पहले फोड़िए। रिबन कैसे फोड़ सकते हैं? रिबन नहीं, श्रीफल। भारतीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले श्रीफल बतारते हैं ना। शाबाश बागा। ओह नारियल। ऐसे बोलना नारियल। नारियल किसके पास है भाई? टपुड़ा, नारियल कहाँ रखा तूने? मैंने गोली को दिया था। अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, बकरी को ही घास की चौकीदारी दे दी, खा गया होगा अब तक। अरे बच्चा है, बढ़ता बच्चा है। कितना बढ़ता है? अरे पापा मैंने नहीं खाया है, अक्खा नारियल था। मैं अक्खा नारियल कैसे खा सकता हूँ? सही बात है, ऐसे कैसे खा लेगा? पर है कहाँ नारियल? मैंने सोनू को दिया था। मैंने तो पिंकू को दिया था। मैंने तो गोगी को दिया था। गोगी बता नारियल कितने है? गोगी मैंने संभाल के रखा है। कितने? कुर्ते की जेब में। तो निकाल बेटा। नहीं मेरे जेब में नहीं। तो किसकी जेब में? वो ही तो याद नहीं है। और धोनिया गोगी पुत्र को बादाम सलाम खिला, थोड़ी मैं मरी तेज है। अरे गोगी बेटा भाई याद कर, तूने किसकी जेब में वो श्रीफल रखा था? अरे पोपटल ये क्या याद करेगा, तुम अपनी जेबें चेक कर लो भाई, जिसकी जेब में होगा मिल जाएगा। अरे भाई चेक करना, हाथ है जेब में डाल के चेक कर भाई। भिड़े नारियल है वो, नारियल बेर नहीं है जो अंदर हाथ डालू, समझ में आता है ऐसे भी? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ढूंढ लो भाई ढूंढ लो। मिला चाची? अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अरे बहुत छोटा था, पता कैसे चलेगा? जी 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 होगी। ला भाई ला भाई लो भाई। फड़े 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 गणपति बाप्पा। कृष्ण कन्हैया की जय। आओ भाई आओ, अभी रिबिन काट के सोसाइटी का उद्घाटन करो। हाँ जी। Yeah, fine.
पूरे सोसाइटी का कपड़े से ढका हुआ है, मतलब अभी भी काम चालू है। नहीं नहीं, कोई काम चालू नहीं है, सब काम हो गया है। तुझे कैसे पता? नहीं पता है। धीरज रखिए, सब है, सब ठीक है। सुंदर भाई, ये पूरी सोसाइटी कपड़े से क्यों ढकी है? हाँ? ये गोकुलधाम नामक दुल्हन अभी घूंघट में बंद है, ऐसे थोड़ी ना मुंह दिखाई होगी। एक मिनट, मैं 125 रुपया छुट्टा देता हूँ, चल दुल्हन का मुंह दिखा जल्दी चल। अरे जेठालाल, 125 रुपया भी किस चीज का, 25 लाख रुपए दिए भाई, अभी तो मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। सुंदर, बराबर है। ओके ओके, तो मुझे यह बताओ गोकुलधाम वासियों, सबसे पहले मैं कौन से विंग दिखाऊं? देखो, अल्फाबेट की शुरुआत ए से होती है, तो ए विंग पहले दिखा। yes. हाँ। अरे भाई, मैं तेरा जीजा हूँ, पहले मेरी विंग दिखा भाई। माय डियर जीजा जी, आपकी बात एकदम सही है। हाँ। तो सबसे पहले देखते हैं ये विंग। आदमी जिंदगी में एक बार दर्द सहन कर सकता है, जुदाई सहन कर सकता है, हानि सहन कर सकता है, लेकिन इंतजार, इंतजार सहन नहीं होता साहब। बेसब्री कहिए, बेताबी कहिए, क्यूरियोसिटी कहिए, ईगरनेस कहिए, उत्सुकता कहिए, जिज्ञासा कहिए, जिंदगी में ये जो लफ्ज होते हैं वो मार डालते हैं। इंतजार बड़ा बुरा होता है, लेकिन क्या करें, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में तमाम लोग इंतजार में है कि ये सोसाइटी हमें नजर आ जाए। इतने दिनों से जिसका इंतजार हो रहा है कि आखिरी सोसाइटी बनी कैसी, और वो सोसाइटी ढकी हुई है पर्दे से। अब क्या होगा इस पर्दे के पीछे? क्या एम्बुलेंस तो नहीं मंगानी पड़ेगी? एम्बुलेंस, कहीं किसी को खुशी से हार्ट अटैक आ जाए कि भाई क्या शानदार सोसाइटी बनी है, या फिर झटका लगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे सोसाइटी जैसी भी निकले, आपके लिए एक चीज तय है, हंसी और ठहाके बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और माफ कीजिए, इंतजार तो करना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.